बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ओहो, इसका सीट को खोलेंगे सीटों को पार्किंग नहीं मिला था। ये बंदा गाड़ी लेके राउंड मारे जा रहा था, मारे जा रहा। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन कोलकाता से आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं अपने एक दोस्त के घर में। उसका जो RX 100 है वो थोड़ा ख़राब हो गया, वो प्रॉब्लम दे रहा है। एक्चुअली वो उसका है नहीं, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। तो अभी सोचे उसको रिस्टोर कराएंगे, उसको फिर से ठीक कराएंगे और उस बाइक को चलाएंगे। और हो सकता है कि हम लोग के यहाँ पे जो मल्लिक बाजार है, चोर का मतलब चोरी किया हुआ जो पार्ट्स होता है या जो पुराना पार्ट्स होता है बाइक का, वो जो जहाँ पे मिलता है वहीं पे जाएंगे और इसके लिए हो सकता है कुछ पार्ट्स लेंगे। और इसके पहले कि मैं आप लोग को बाइक स्टार्ट करके दिखाऊँ, थोड़ा सा आप लोग को सिनेमैटिक दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बाइक आप लोग को स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बाइक को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। हाँ, तो वो दोनों दर्शक है, देख लो हम बाइक स्टार्ट करने वाले हैं। अमन भैया जी, यूट्यूब में हम तो अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के सामने हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे, वो भी बिना चाबी का। देखो अच्छे से, देखो ऑफ में है गाड़ी, ऐसे ही स्टार्ट होगी। देखते हैं, किक मारते हैं। स्टार्ट हो गई। गियर किधर है, गियर किधर है? सामने। बूम बूम, राइड मार के आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं है। मतलब पूरा मजा ही आ रहा है यार, ऐसा भी बाइक होता है? पता नहीं। ओहो, बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ओहो, गया गया, बंद हो गया। अच्छा, फिर से किक मारते हैं। नहीं हो रही, घुमा लेते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। चलो इसका एक बार चॉक ऑन करके देखते हैं कि ये स्टार्ट होती है या नहीं। चॉक, हाँ चॉक ऑन कर दिया, अब किक मारते हैं। अरे यार, ये तो बेइज्जती करा दिया अपना। फिर से करते हैं, नहीं होगा लगता। अब लगता है ठेलना पड़ जाएगा। आप लोग से क्या छुपाना, बाइक बंद हो गई। देखो अभी मैं ठेल रहा हूँ, मेरा इज्जत का फालूदा हो रहा है और ये लोग यहाँ पे, मैं हब गया। देखो इसको बोलते हैं कमीना आदमी लोग। देखा, मैं बाइक ठेल के ले जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी लेके आया वो लोग और मुझे ही लेके नहीं गया। इतना तक नहीं बोला चलो टो कर देते हैं। इतना छोटा गाड़ी है, इतना वेट है, मैं तो हफ ही गया। ओह माय गॉड। तो बाइक को उसके पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कितना सारा पेट्रोल गिर गया, सारा पेट्रोल यहीं पे गिर गया, इसलिए इंजन में कुछ गया नहीं, चला नहीं। और अभी हम लोग इसका सीट को खोलेंगे सीट तो पहले से खुला हुआ है कमाल है। अभी हम लोग इसका 10 नंबर की से इसका टैंकी खोलेंगे और देखेंगे कहाँ 10 नंबर से ठीक है, 10 नंबर से नहीं खुलेगा, किसी और से खोलेंगे, बट टैंकी खोलेंगे। शायद MC लगा हुआ है पूरे टैंक में, यहीं से ऑयल लीक हो रहा है। इधर भी लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से लीक हो गया, इधर से तो ज़्यादा लीक नहीं हो रहा। तो देखते हैं अभी इसका क्या व्यवस्था किया जाएगा। ये ठीक हो जाएगा, फिर और देख दो काम ही बचेगा गाड़ी में, फिर गाड़ी एकदम पूरा चंगा हो जाएगा, चंगा। इस टैंकी को लेके एक मैकेनिक के पास जा रहा है जहाँ पे झलाई वाला काम होता है। तो मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे इन लोग का वेट करूँगा। तब तक देखूँगा गाड़ी में क्या क्या और प्रॉब्लम है, पूरा गाड़ी खोल के मैं चेक करूँगा। अभी हम फिर से आए हैं, कल एक्चुअली काम आ गया था, तो गाड़ी का काम करते करते हमको घर जाना पड़ा था। तो अभी फिर से दूसरे दिन हम यहाँ पे आए हैं उसी गाड़ी को ठीक करने के लिए।
तो अभी देखते हैं कि कल जब वो ले गया था ना उसको एक बिल्डिंग कराने के लिए, तो वहाँ पे बिल्डिंग वाले ने बोला उसका बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो अभी फिर से आए, देखो गाड़ी का टैंकी यहाँ से खुला हुआ है, पूरा खुला हुआ है। गाड़ी यहाँ पे रख दिए थे कल, फिर घर चले गए थे। तो अभी गाड़ी के टैंकी को लेके जाएंगे मल्लिक बाजार, वहाँ पे देखेंगे कि उसको एक्सचेंज करके या कोई सेकेंड हैंड RX 100 का कोई टैंकी मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये इधर लेफ्ट में ये गाड़ी चला रहा है, मैं गाड़ी में आराम से बैठा हुआ हूँ। और अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर ही है यहाँ से जा करके देखेंगे। पीछे टैंकी रख लिया, बैग रख लिया, हेलमेट सब कुछ पीछे रख लिया। हम लोग बाइक से नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक तो कार के लिए होता है, ठीक है जो भी हो, धूप बहुत ज़्यादा है, बाइक से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए आज कार से जा रहे हैं। जाके देखेंगे कि इसका पार्ट्स मिलता है या नहीं मिलता है, इसका टैंकी चेंज होगा या नहीं होगा। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अपडेट कर दूंगा। तो चलिए अभी चलते हैं, आप लोग थोड़ा सा सिनेमैटिक इंजॉय कर लो। ओके चलिए। देखते ही देखते पहुंच गए, बहुत जल्दी ही पहुंच गए, ट्रैफिक ज़्यादा मिला नहीं हम लोग को। और अब इधर हम लोग को खोजना है पार्किंग, कि बाइक मतलब कार कहाँ पे पार्क होगा। तो जाके देख लेते हैं कार पार्किंग कहाँ पे होगा, कार पार्किंग करके हम लोग इसके अंदर के तरफ जाएंगे। अभी यहाँ शायद लेफ्ट में बहुत सारा कार लगा हुआ है, हाँ ये पार्किंग का ही जगह है, यहाँ लेफ्ट में अभी हम लोग साइड कर लेंगे। तो अभी एक बहुत ही सैड न्यूज़ है, मैं टैंकी को लेकर के अंदर गया था देखने के लिए कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पूरा राउंड मारा, कहीं पे नहीं मिला, एक दो जगह मिला, बट प्राइस उसका बहुत ही हाई था, ऊपर से वो वाली टैंकी भी लीक थी, तो इसलिए वो वाला लेना मैं सही नहीं समझा, तो वहाँ से नहीं लिए। और दूसरा बुरा खबर ये है कि हम लोग को पार्किंग नहीं मिला था, ये बंदा गाड़ी लेके राउंड मारे जा रहा था। किसी भी तरीके से उसको बिल्डिंग ही कराएंगे चाहे जो हो जाए। कल तो मैं बिल्डिंग वाले के पास नहीं गया था, ये लोग दोनों गया था बिल्डिंग वाले के पास, तो वो लोग मतलब बिल्डिंग वाले मना कर दिया था या बोला था नहीं होगा। अब मैं जाके बात करके देखता हूँ होता है या नहीं। टैंकी को लेकर के बिल्डिंग वाले के पास जा रहे हैं, तो टैंकी उठाते हैं, बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं। यहाँ पे टैंकी को जमा कर दिए हैं, वो अंकल बोले कल आने के लिए, आज काम का बहुत प्रेशर है। हाँ तो टैंकी को वहाँ पे बनाने के लिए दे दिए हैं, वो अंकल कल टैंकी देंगे, बाकी काम कल होगा। और मैं सोच रहा हूँ अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, कल से वीडियो एक ही बनाए जा रहे हैं। तो फिर जब रिस्टोर हो जाएगा, अच्छे से पूरा काम हो जाएगा बाइक का, फिर से आप लोग को दिखा देंगे। और अगर आप लोग को वीडियो किसी भी कारण से पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ना पसंद आया हो डिसलाइक कर देना। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आया, मैं बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके तो ठीक है, चलिए चलते रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके चलिए, टाटा बाय बाय, ये ही।